ओम शांति। आज मिलकर हम कुछ बातें करेंगे और टॉपिक कोई भगवान से रिलेट या कोई इस तरह से कोई टॉपिक नहीं है। ये हम सभी के लिए एक नॉर्मल सब्जेक्ट पे बात है। हम आप जिस माहौल में रहते हैं, हम आप जिन चीज़ों को आए दिन देखते हैं, जिस तरह से हम आज कहना चाहिए जिसे समाज कहा गया है, तो सबसे पहले तो हमें यह बात समझनी पड़ेगी कि समाज क्या है। समाज एक परिवार में रह रहे लोगों के सामंजस्य, पड़ोस में रह रहे लोगों के साथ सामंजस्य, अपनी साथियों के साथ तालमेल बनाकर रखना, अपने रिश्तेदारों के साथ सामंजस्य बैठना, अपने गांव के लोगों के साथ सामंजस्य बैठना। समाज जिसे हम समाज कह देते हैं, क्या सही मायनों में उसका पालन लोग कर रहे हैं? आज जिसे हम समाज कहते हैं, क्या वो सचमुच समाज है? क्या उन सब में समानता है या बाकी रह गई है? और यह कहीं ना कहीं शुरुआत कहाँ से होती है? अभी का जो समय है, जिसे हम प्रेजेंट समय कहते हैं, हमारे घर में यदि 5 सदस्य हैं, मान लीजिए एक पिता के 3 बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत हाई लेवल पर पढ़ाई करता है, मैं बहुत अच्छी हूँ भाई जी, ओम शांति। तो देखिए, जिस तरह से घर में, परिवार में, एक घर में 3 बेटे हैं, तीनों का अलग अलग आचरण है, किसी में कुछ कमी है, किसी में बहुत हाई लेवल पे अच्छे गुण हैं, बहुत अच्छा अपने पिता के हिसाब से ही चल रहे हैं, तो इस तरह से एक पिता क्या करता है, उसमें डिफरेंस करना शुरू कर देता है। सामंजस्य, तालमेल जिसे कहते हैं, वो नहीं बिठा पाते हैं। तो क्या होता है, देखिए, वहां मैं ये कहूंगी कि जब आप एक परिवार में अपने ही बच्चों के साथ में जब आप सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं, उनमें समान भाव नहीं रख पा रहे हैं, मान लीजिए कि वो बच्चा एक 3 में से 1 डॉक्टर है, एक जो है कहना चाहिए कि डॉक्टर के अलावा पढ़ाई भी ढंग से नहीं करता है, या किसी तरीके से आपको मान सम्मान नहीं देता, और थर्ड वन बहुत ही अजीब ही है, जिसका नेचर किसी को पसंद नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, उनकी क्वालिटी के हिसाब से उनको प्यार करना शुरू करते हैं, उनके गुणों को देख करके हम उनको ज़्यादा देखते हैं, और हर वक्त उन बच्चों की हम आपस में ही घर में बैठ करके, पड़ोस में जा करके, एक दूसरे के साथ में सदा उनकी बुराई बुराई बुराई, उनके अवगुणों को हम क्या करते हैं, रिपीटेडली बार बार हर किसी को कहते हैं। तो जब आप एक परिवार में रह करके अपने ही बच्चों को अपने ही सामंजस्य में, अपने बुद्धि से नहीं बिठा पा रहे हैं, तो आप जिसको समाज का नाम दे रहे हैं, उस समाज में सामंजस्य कैसे बैठेगा? जबकि हमारे घर में यदि 4 हैं मेंबर, और 4 बच्चों में यदि चारों के गुण अलग अलग हैं, तो उसका कारण आपके या फिर उन बच्चों का कोई दोष नहीं है। उनके जो पुराने संस्कार आत्मा में आते हैं,
कहीं ना कहीं वो उनके संस्कार साथ साथ कई जन्मों से चलते हैं। कोई एक जन्म का, कोई एक समय का, कोई एक ही एरिया का उनके ऊपर में जो है कहना चाहिए असर नहीं होता है। वो बच्चों के अंदर में बहुत सारे जन्मों के साथ में जो कर्म विकर्म का हिसाब चलता है वह कहीं ना कहीं इस तरीके से डिफरेंस होता है। तो इसीलिए इस तरह से वो अलग-अलग तरीके, और जितनी कमी रह जाती है हम आप उनको मिल करके उनकी बुराइयों को बार-बार रिपीट करके उनके अवगुणों को बार-बार पूरे संसार में बता करके उनको और ज्यादा क्या करते हैं, कई गुना बढ़ा देते हैं। और जो बच्चा अच्छा पढ़ रहा है या जो डॉक्टरी पढ़ करके डॉक्टर के स्टेटस पे बैठा है उसे दिन रात हम दुआ देते हैं, दिन रात उसको आशीष देते हैं, दिन रात हम उसको कहते हैं कि बच्चे और तरक्की कर। तो वो जो तरक्की शब्द है, जो उसकी उन्नति का कारण है, वो आपका ही आशीष है। वो कोई उस बच्चे के नहीं, उस बच्चे के जो पहले के आए हैं वो तो कम है, लेकिन जो आपने उसको शुरू से जो प्रोत्साहन, उसको यहाँ से मन से जो दुआएं दी हैं, जो आपके विकल्पों में संकल्प उसके प्रति पॉजिटिव चले हैं, कहीं ना कहीं उसकी वजह से वो उतना ऊपर उठता है। और जो अवगुण जिनके आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, जिसके संस्कार उसको आप दिन रात नेगेटिव बातों से उसको और नीचे गिराते चले जाते हैं, कहीं ना कहीं यह कारण हमारे और आपके अंदर ही है। और हम आपको समाज का नाम दे करके अपने घर से ही शुरुआत नहीं करते हैं, और हम पड़ोस और समाज की बातें करते हैं। ओम शांति भाई जी। तो देखिए, अब मैं आती हूं कि एक हम जो समाज की बात करते हैं, जिसमें कहीं भी दूर दूर तक समाज सामंजस्य नहीं दिख रहा है, समानता नहीं दिख रही है। हम अपने बच्चे को, यदि आपका बच्चा कोई हाई स्टेटस पर बैठा हुआ है तो आप अपने बच्चे को ऐसा समझते हैं मानो दुनिया में सबसे बड़ा मेरा ही बच्चा है, इसका ही ओहदा सबसे बड़ा है, इसका ही स्टेटस बहुत, और इसने बहुत मेहनत की। यदि सेम चीज आपके सामने वाले पड़ोस में किसी का बच्चा यदि वही लेवल पर बैठा हुआ है तो आपको उस बच्चे में कमी दिखेगी। क्यों कमी दिखेगी? आपको क्या लगेगा, हो ना हो इससे ऐसे ही पढ़ाई में तो ठीक ठाक मुझे लगता नहीं, हो ना हो कहीं ना कहीं से कुछ चलाया होगा इसने, अपना कुछ बिठाया होगा और इसने अपने ऐसे स्ट्रेस पे बैठा होगा जाकर के, ऐसे ही लिख दिया होगा, ऐसे ही पढ़ लिया होगा। तो देखिए, यहाँ भी आपकी समानता नहीं है। आप अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, आप पड़ोस के बच्चे को वही चीज के लिए आप उसे इस तरह से सोच रहे हैं, तो कहाँ सामंजस्य है, कहाँ समानता बची, कहाँ आप समाज की बातें करते हैं? आप में समानता होना अर्थात आपके विचारों में जब तक पॉजिटिविटी, जैसा आप अपने लिए सोच रहे हैं वैसे ही आप अपने बच्चे के लिए सोचें, जैसा उस ऊंचाई पर बैठे बच्चे के लिए सोच रहे हैं वैसे ही उस बच्चे के लिए सोचें जो आपके नजरों में ऊंचाई पर नहीं बैठा है। क्योंकि इस संसार में हर एक का अलग अलग ड्रामा है, इस संसार में हर एक का अलग अलग कहना चाहिए आए हैं, तो सबकी एक दूसरे से कोई भी समानताएं मिलती नहीं है, हर एक में एक विशेषता है। अब मैं आपको बोलूं, यदि एक घर में तीन लेडीज हैं और तीन लेडीज में एक को बाहर के काम करना बहुत अच्छा आता है और एक को बहुत अच्छी कुकिंग आती है, जो उस समा जो बाहर के काम करने वाली महिला के कंपैरिजन में उससे कुछ भी नहीं बनता, कुकिंग में वो निल है लेकिन वो शॉपिंग में बहुत अच्छी है, जो वो कुकिंग वाली महिला नहीं कर सकती है, और तीसरे जो है उसको घर की साफ सफाई बहुत अच्छी है लेकिन अगर उसको कुकिंग में खड़ा कर दें तो वो कुकिंग के लिए निल है या शॉपिंग के लिए निल है। तो देखिए, तीनों में एक एक विशेषता है। जिस दिन यदि आप कुकिंग करती करने वाले को यदि आप सफाई वाले के साथ में खड़ा कर दें तो वह काम नहीं कर पाएगी जो सफाई वाला कर रही है, और वो कुकिंग नहीं कर पाएगी।
तो आपको कहना चाहिए, देखिए आपको विशेषता किसकी देखनी चाहिए, जिसमें वो परिपक्व है, जिसमें वो कर पा रही है, उस विशेषता को आपको प्रोत्साहन दे करके उसे और बढ़ाना। आज नहीं तो कल आपसे आ जाएगा। यदि आप हर एक की एक एक विशेषता को अपने में धारण करते उसको प्रोत्साहन करेंगे, जिसमें जिसको है उसमें आप डाल देंगे, तो वो कम से कम उस एक प्लेस में तो खड़ा हो जाएगा। हम समाज की बातें करते हैं लेकिन हम यह भूल गए हैं कि हमारे में समानता ही नहीं है, तो सामंजस्य कैसे बैठा पाएंगे? हम अपने घर से ही शुरुआत नहीं करते हैं तो हम समाज को कहाँ सुधारने की बात करते रहते हैं। जब आपके ऊपर बात आती है तो आप समाज को भूल जाते हैं, और जब समाज की बात आती है तो आप खड़े होकर के लांछन लगाने में कोई कमी नहीं रखते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके परिवार में ऐसी कोई बात हो गई, कोई घटना हो गई। बहुत सरल बातों में समझाती हूँ जो आजकल हर दूसरे घर में होता है, कि मान लीजिए कि आपके घर में कोई बेटा या बेटी है, आप समाज कहते हैं, आप अपने कास्ट को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, आप अपने रहन-सहन को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, आप अपने खाने के तरीकों को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, आपका जो लौकिक जाति रूप नाम जुड़ा हुआ है, आपका नाम, आपकी शान, आपको जो आप जो समझ लेते हैं कि ये मेरी जात सबसे ऊंची सबसे बड़ी है, वो जात को आप ऐसा समझ लेते हैं जैसे मेरे सामने हर एक मानव, हर एक इंसान छोटा है, और हर एक का खान पान मेरे से छोटा है, मेरे से खराब है, और हर एक का रहन सहन मेरे से बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्या यह सच है या फिर ऐसा हमें सोचना चाहिए? तो हमारे घर में मान लीजिए कोई बेटा या बेटी ऐसा कोई काम करता है, जो मान लीजिए विवाह कोई लेके बात करते हैं, जब उसे ऐसा लगता है कि कुछ लेकर के आता है या आती है कि पापा मुझे इससे विवाह करना है, शादी करना है, तब आप क्या करते हैं? अपनी जात का ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं, भले ही वो जो सामने वाला जिसको वो जिसके बारे में वो बात कर रहा है बच्चा, वो आपसे कहीं अधिक ऊंचाई पर जी रहा है, कहीं अधिक उसका खाने का तरीका बहुत अच्छा है, कहीं अधिक उसके संस्कार और आपके संस्कारों में, आपके परिवार के माहौल में, उसके माहौल में बहुत जमीन आसमान का फर्क होगा, लेकिन आप क्या करेंगे उस समय? आप हामी नहीं भर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वो समाज का डर रहता है कि मेरे बच्चों की खुशियों के तो बात अलग है, लेकिन मेरे जो समाज वाले मुझे क्या कहेंगे, आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ क्या पता मेरा जो है किस हिसाब से मुझे लोग उंगली करेंगे, किस हिसाब से मेरे बारे में सोचेंगे। उस समय आप अपने बच्चों की खुशी नहीं देखते। जो समाज जब गड़बड़ होती है तब कोई नहीं आता है, और जब गड़बड़ियां आपके घर में होती हैं तो कान लगा करके आपके घर के छेद भेद लेकर के पूरे संसार में फैलाते हैं। जब वही हम इंसिडेंस ऐसा हो जाता है कि हम अपने बच्चे के हिसाब से नहीं चलते हैं, और हम अपने हिसाब से चल के बच्चे को ऐसी जगह बांध देते हैं जहां वो दिन रात कुड़कुड़ के परेशान हो करके, या कोई ऐसा हो जाते हैं हादसे, जब कोई समाज आपके दुख में साथ देने नहीं आता है, लेकिन उस समय जरूर आता है जब आपका बच्चा कुछ अच्छा तो करता है लेकिन वो समाज और आपकी नजर में रॉन्ग होता है। ऐसे हर किसी के साथ नहीं होता। देखिए, यदि आपके साथ घटित हुआ है तो आप उसको एक्सपीरियंस के साथ में, अनुभव के साथ में उस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। यदि आपके साथ नहीं हुआ है तो आप उसे गलत भी समझ सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये बहन गलत बोल रही है, लेकिन ये आज के समय की रियलिटी है। आज के समय की ये बहुत बड़ा अटल सत्य है, एक तरह से है कि हम सिर्फ इस डर से कई बार अपने बच्चों को ऐसी जगह भेज देते हैं जहां वो बच्चा नहीं चाहता है, और वो बच्चा भी अपने किसी न किसी बड़ों का मान सम्मान रखने के लिए, अपने कहना चाहिए जिस भी कारण से वो हो जाता है, तो वो बच्चा उस बात पे कहना चाहिए कि आगे बढ़ जाता है। लेकिन जब आपके घर में कुछ सचमुच की मुसीबत आती है, जब सचमुच आपको समाज की जरूरत पड़ती है, जब सब सचमुच आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ में कुछ कोई खड़ा हो, तब आपके सामने कोई खड़े हो करके आपके कंधे पर हाथ रख कर इतना ही नहीं कहता है कि हिम्मत रखो, मैं तो हूँ,
तो कहाँ आप समाज की बात करते हैं, कहाँ सामंजस्य रह गया है, कहाँ कुछ रह गया है, कुछ भी नहीं रह गया। हम जिनके लिए जीते हैं, हम जिनके लिए दिन रात सोचते हैं, जिन रिलेटिव्स के बारे में, जिन फ्रेंड्स के बारे में, जिस परिवार के बारे में सोचते हैं, वह तो आपको जब जरूरत है तब तो आता ही नहीं है। वो कभी भी जब भी खड़ा होएगा जब आपकी कोई बात लीक हो रही होती है या आपके ऊपर में ऐसी कोई मुसीबत आती हुई होती है, जब मजा लूटना होता है तब ऐसा होता है। चलिए ठीक है, कुछ इस तरह से हो जाते हैं हादसे। तो आपको क्या करना चाहिए, हो गया, कोई भी A to Z कोई भी बात हो, मान लीजिए जॉब ही ले लीजिए, उसका मन कहीं और जाने का है, आप किसी और तरह उसका मन लगाते हैं, किसी और प्लेस में आपका इधर माइंड सेट रहता है कि मुझे अपने बच्चे को यहाँ ही भेजना है, और वो बच्चा नहीं चाहता है और आप वहाँ भेज देते हो, और यदि वो बच्चा ना तो उधर का रह जाता है और ना ही इधर का रह जाता है, उस प्लेस में आप बैठे रहते हैं, तो तब आप क्या करते हैं? चलिए ठीक है, हो गया, जो होना था हो गया, अब आगे आप क्या करते हैं? मान लीजिए गलत जगह आपके बेटे की या बेटी की शादी हो गई, मान लिया आपने कि किसी के चलते हमें डर हो करके हो गया, फिर हम क्या करते हैं? बैठ जाते हैं, सालों साल हम वेट करते हैं, इंतजार करते हैं कि अब ये चीज सुलझ जाएगी, अब ये चीज सुलझ जाएगी, अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, ऐसे आप कितना समय काट देते हैं, वही समाज, वही डर, वही सब चीजें, वही आप अपनी खुशियों को, अपने परिवार की खुशियों को, अपना सब कुछ समर्पित करते जाते हैं। क्यों क्यों आप जिस को रोज अपने चेहरे को देखते हैं उस आत्मा को खुश क्यों नहीं रख सकते आप? किसका डर है आपको, किस बात से आपको ये सहमता है, जो जिसमें आज के समय में कोई बचा ही नहीं है ऐसा, जो आपका साथ दे करके खड़ा हो सके। देखिए हम कई बार अपने रिश्तों को ऐसे ऐसी चीजों पर बलि चढ़ा देते हैं, ऐसी छोटी छोटी बातों से हम दूरियां बना लेते हैं, ऐसे छोटे छोटे झगड़ों से हम अपनों से रूठ जाते हैं, वो झगड़ा, वो कहना चाहिए छोटी छोटी बातें अब अपने मन में रखने से बल्कि आप और अधिक खुद तो परेशान होते ही हैं और कुछ भी सॉल्यूशन नहीं ढूंढते हैं, तो किस डर से आप यह सब करते हैं? क्या है, आप खुद को या अपने परिवार को खुशी नहीं रख सकते? क्यों आप में हिम्मत नहीं है ये, जबकि समाज में तो सामंजस्य है ही नहीं? क्योंकि एक परिवार में सामंजस्य नहीं है, एक परिवार में समानता नहीं है, आपके विचारों में समानता नहीं है, आपके घर में चार सदस्यों के बीच में सामंजस्य नहीं है, एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, एक ऐसा सोच रहा है, दूसरा वैसा सोच रहा है, आपस में ही उलझे हैं, तो आप किस ओर बढ़ें? जब आपके जो एक परिवार से समाज बनता है, एक पड़ोस से समाज बनता है, गांव से समाज बनता है, जब उसमें ही कुछ नहीं बचा, तो शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? शुरुआत एक पड़ोसी से होनी चाहिए, आपके फ्रेंड से होना चाहिए, आपके रिश्तेदारों से होना चाहिए, या फिर आपके परिवार से ही शुरुआत होनी चाहिए, जब ये चीज़ों में कमियाँ आएंगी और ये चीज़ों में सुधार होगा, ये बातों में सुधार होगा। कितने पेरेंट्स ऐसे हैं, कितने बच्चे जो अच्छे, सचमुच अच्छे बच्चे हैं, वो कैसे परेशान होकर के कैसे रह रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनको कोई हिम्मत देने वाला नहीं होता, उनको चार लोगों के सामने उनके शोल्डर पर हाथ रख करके उनको शांत बना देने वाला नहीं होता है, वो ये नहीं कह पाते हैं दो शब्द कि मैं हूँ, मेरे रहते इस संसार की कोई भी ताकत मेरे प्यार के सामने या मेरी हिम्मत के सामने या मेरे साथ के बिना जो है कहना चाहिए कोई बात छोटी है। इतना कहना मतलब आज के समय में प्रॉब्लम चल रही है, आज के समय में इतनी हिम्मत अपने बच्चों को कोई नहीं दे पा रहा है, इतनी हिम्मत अपने माता-पिता को कोई नहीं दे पा रहा है, तो हम किस में उलझे हैं, किन बातों में हम उलझे, खुद को उलझाए रखे हैं? लोग कहते हैं मुझे बहुत टेंशन है, बहुत परेशान है, ज्यादातर महिलाओं के मुंह से आपने सुना होगा कि मैं तो बहुत परेशान हूं, ज्यादातर आपने सुना होगा। क्यों? क्योंकि वो खाली रहते हैं। भाई तो शरीर निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ उनके दिमाग में जो चलता रहता है ना, तो वो उनके समय उनके दिमाग में पूरे टाइम चलता रहता है कि शरीर निर्वाह के लिए, अपने घर परिवार के लिए, कहीं ना कहीं मैं कैसे स्थूल धन को इकट्ठा करूं, है ना?
अपने बिजनेस माइंड में चलता रहता है। महिला को तो क्या करना है, जो जॉब वाली रहती उनको एक अलग रहता है। अब तो समय ऐसा चल रहा है कि आपका अच्छा अच्छा बिजनेस, अच्छा अच्छा ऑफिस जो है घर में ही बैठा हुआ है सब कुछ। अब तो समय का कुछ आप नहीं कह सकते हैं। तो सबसे ज्यादा महिलाएं ही परेशान होती हैं, महिलाएं ही चिंतित होती हैं, महिलाओं को ही दुख होता है बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो अपने दिमाग को खाली रखती हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि अब मेरा खाना बन गया तो अब मैं क्या करूं। हाँ, बच्चे भी सो गए, अब मैं क्या करूं। तो ले लेते हैं यहाँ वहाँ की बातें कि मुझे 4 साल पहले मेरी सास ने ये कहा था, या मेरी कोई रिश्तेदार ने मुझे ऐसा कहा था, उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसने कहा तो कहा कैसे। तो जब तक आप अपने मन को ऐसी जगह पर नहीं ले जाएंगे, ऐसे विचारों की तरफ नहीं मोड़ेंगे अपने मन को, ऐसे अच्छे कर्मों में, अच्छे कार्यों में नहीं लगाएंगे मन को, तो आपका मन ऐसे ही दुखी रहेगा। और आप यदि यही सब सोच करके अपने आप को खुश नहीं रख पाएंगे, पर चिंतन जिसे कहते हैं, कभी भी आप ये याद रखिए, 99% लोग पर चिंतन से ही दुखी हैं। खुद के दुख से दुखी बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन पर चिंतन में ही दुखी हैं। वो क्या कहेगा, ये हुआ तो वो, ये हो गया, अब लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। अरे लोग कौन हैं, समाज कौन है, आप खुद से पूछिए। ये जो छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है आपस में, जो बैठ करके बात नहीं करना, या इस तरह से जो छोटे छोटे कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं, हम थर्ड पर्सन की बात सुन करके अपने मन में जो बीज बना लेते हैं, जो एकदम पक्का वाला बना लेते हैं कि हाँ उसने ऐसा किया होगा। कहते हैं ना, जब तक आप कानों से नहीं सुन लेते, आंखों से नहीं देख लेते, तब तक आज के समय में किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इवन जो न्यूज़ आदि में भी आता है, तो वो भी आधे से ज़्यादा, क्या 80% गलत दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल ये पैसों से मीडिया भी बिकी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। जो रियलिटी है वो आपको स्क्रीन के सामने नहीं दिखाई जाती है, जो झूठा है वो पैसों में बिक रहा है, झूठ बिक रहा है। सबसे ज्यादा संसार में एजुकेशन और हेल्थ, ये दोनों चीजें फ्री होनी चाहिए, और आज के समय में सबसे ज्यादा हेल्थ और एजुकेशन ही बिक रहा है। छोटे छोटे नर्सरी के बच्चों के लिए, अब तो बंद हैं, अभी भी चल रहा है ऑनलाइन, तो सबसे ज्यादा नर्सरी के बच्चों को जो डोनेशन पे रखा जाता है, इंटरव्यू का नाटक करा जाता है। हाँ, इस तरह से हेल्थ को देखिए कैसे बेचा जा रहा है। जिसे हम इस तरह से समाज कहते हैं, कितनी क्रूरता भरी हुई है। तो ये जो कहना चाहिए, ये जब जो आया है संसार में दुख, उसका कारण आप किससे समझते हैं? आप खुद से क्वेश्चन कीजिए। ये संसार में जो मारा मारी है, जो बीमारियां हैं, जो इस तरह से संसार में दुख फैला हुआ है, वो दुख का कारण क्या है? वो दुख का कारण है आपकी सोच, आपके विचार, आपके अवगुण। आपने सिर्फ अपना जो थोड़ा ना थोड़ा कमाया, जो आपने किया, जिस घर से आपने बिलोंग किया, जिस परिवार से आपने बिलोंग किया, उसका हमने इतना रखा, ऐसे अकड़ रखी अपने आप में कि हम सब कुछ भूल गए कि हमें भी इस संसार में हम सब एक हैं। हम भाईचारे को भूल गए, हमने भाई भाई के बीच में जो है कहना चाहिए दूरियां पैदा कर ली। क्यों? क्योंकि हमें बहुत ज्यादा अकड़ है। किस बात की? आपकी इतनी सी शिक्षा की, आपकी इतने से पैसे की, आपकी इतने से देह भान की, आपकी इतने से जो कहना चाहिए कमाई की, आपके ऐशो आराम की, जो आपने कमा लिया, जो आपने एसी में घूम लिया, आपने जो कहना चाहिए एसी में रह लिया, उसका कहना चाहिए घमंड, उसका कहना चाहिए प्राउड। और हम ये भूल गए कि सबकी मंजिल एक है।
सबकी मंजिल एक है, हमारा ये शरीर एक ही जगह जाना है, चाहे वो रंक हो और चाहे राजा हो, सबको एक ही जगह जाना है। कहते हैं ना, जिसे थोड़ा भी घमंड हो देह का, वो जा करके शमशान में बैठ जाए और दो बस ज्यादा नहीं तो एक ही सीन देख ले, एक तरफ गरीब और एक तरफ करोड़पति, देख ले कि उन दोनों का क्या हो रहा है। तो ये समाज कैसे बदलेगा, कैसे बदलेगा? आपके विचारों में परिवर्तन होगा तब बदलेगा। हम एक दूसरे के प्रति प्रेम रखेंगे, हम एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना नहीं रखेंगे, हम एक दूसरे के उन्नति से ज्वेलसी फील नहीं करेंगे, हम किसी से बदले की भावना नहीं रखेंगे, हम सबको सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ देंगे, हम सिर्फ और सिर्फ किसी के भी कोई गलत आचरण को एक्सेप्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो परवश है। कोई भी आपको यदि दुख देता है तो वो बहुत दुखी होता है, इसीलिए आपको दुख देता है, यूं ही कोई दुख नहीं देता है। आप यदि प्रेम से भरे रहेंगे तो आप सिर्फ प्रेम दे पाएंगे। यदि सामने वाली आत्मा दुखी है तो इसीलिए, तो देखिए, हम कभी भी यही सोच बैठे, अभी यही सोचते हैं कि गलत है, सब कुछ गलत हो रहा है, सब लोग गलत हैं, यहाँ तो आपको गवर्नमेंट भी नहीं सुधार सकती, क्योंकि गवर्नमेंट तो रूल फॉलो करने कहती है। गवर्नमेंट तो आपको यह कहती है कि यह ठीक नहीं, यह ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं जानती कि जो यहाँ समाज में, जो यहाँ बैठा हुआ, जो माया का विकार है, जो आत्मा में बिल्कुल तरह से जकड़ रखा है आपको इन पांच विकारों ने, वो विकार जब तक आप स्वयं में से निकालेंगे नहीं, जब तक आप ये भावना अपने मन में नहीं रखेंगे, तब तक इस संसार में सफाई नहीं हो सकती, इस संसार में कोई भी अच्छी बात हो ही नहीं सकती, जब तक आप उन सब चीजों को अपने में छोड़ना नहीं चाहेंगे। बाबा ने मुरली में क्या, सभी जानते हैं हम ये छोटे छोटे परिवार नहीं हैं, हम ये छोटे छोटे परिवार नहीं हैं, बल्कि विश्व एक परिवार है, जो हम कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये कोई हिंदू मुस्लिम धर्मों की बात नहीं हुई है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अर्थात हम आत्माएं, जब इस संसार में पार्ट बजाने आते हैं तो ये शरीर रूपी चोला नहीं होता है, ये शरीर रूपी चोला आत्मा धारण करती है, और हर एक आत्मा एक समान है, उसका कोई काला गोरा रंग नहीं है, उसका कोई सफेद लाल खून नहीं है, उसका कोई साइज नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है, उसका कोई कर्म नहीं है, उसका कोई भी कहना चाहिए कि माता पिता कोई नहीं होता, जब तक वह इस देह को नहीं ले लेती है। देह में आने के बाद ही इस आत्मा के वर्ण बदलते हैं कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, और जब तक हम सब आत्मा एक परमपिता परमात्मा की संतान आपस में भाई भाई हैं, यह बात कही गई है, इसीलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इसलिए यह बात कही गई है। और विश्व एक परिवार बाबा ने कहा है, क्योंकि हम सब आत्माएं उस एक बेहद के बाप की संतान हैं। लेकिन समाज को जो कहना चाहिए, सुधारने का जो भी कार्य करते हैं, तो वह समाज तभी सुधरेगा जब आप आध्यात्म से जुड़ेंगे और उनको जोड़ेंगे और अपने विचारों में तब्दीली लाएंगे, अपने विचारों में शुद्धता लाएंगे, जब इस संसार में शुद्धता आएगी। अभी इतनी विकट परिस्थिति में, देखिए, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मानवता कहीं बची ही नहीं है, समाज में जो चलता है उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आ जाए ये कागज रूपी पैसा, ये धन, ये माया, मैं मेरे पास आ जाए, फिर तो संसार में कोई ईमान बिक जाए, कोई आपका कर्म बिक जाए, कोई आपका धर्म बिक जाए, किसी की जान चली जाए, लेकिन पैसा आ जाए। और पैसा यदि
यहां मैं बैठी और यदि अभी अर्थ कोई आ गया तो ना आप सुनने वाले रहेंगे और ना इधर रहेंगे। ये है आपका पैसा, क्या कर लेंगे आप, क्या कर लेंगे, ये रियलिटी है। इसमें कोई डरने डराने की बात नहीं है। ये जो हम देह के चमड़े को, ये चमड़े को पहन रखा है, ये चमड़ा आपका नहीं है। ये चमड़ा सेकंड्स में खत्म हो जाएगा, कोई पता नहीं चलेगा इसका। ये रियलिटी है। इस रियलिटी को हम जब तक नहीं समझेंगे, तब तक हमारे अंदर में ये जो भरा हुआ है वो नहीं जाएगा। तो यह सब चीजें जो है अब समझनी होंगी, समझानी होंगी। समाज हम आपसे ही बनता है, समाज कोई पहले से नहीं बना है। ये देश की नक्शे में, देश के मैप में सीमाओं को देखने से सीमा नहीं बनती है, देश में रहने वाले लोगों से वो सीमाएं बनती हैं। विश्व बनता है देश में रहने वाले नागरिकों से बनता है। गांव ऐसे ही नहीं बन जाता है कि गांव में आपने घर बना दिए और गांव बन गया। गांव में रहने वाले लोगों से गांव कहा जाता है, घर में रहने वाले लोगों से घर कहा जाता है। घर बनाने से, मकान खड़ा करने से घर नहीं कहते हैं। घर में आपस में रह रहे लोगों के बीच में प्यार होता है, तब उसे कहते हैं कि घर एक मंदिर है। आपस में एक दूसरे की भावनाओं को कहना चाहिए, मान सम्मान देना एक दूसरे को, निस्वार्थ प्यार करना एक दूसरे के, बिना किसी कहना चाहिए कि कुछ मिलने की भावना से रिश्तों को निभाना, उसे हम कहते हैं परिवार। निस्वार्थ, निष्काम, बिना किसी मिलने के, जिसे हम कहते हैं निस्वार्थ, बिना किसी लालसा के, जिसे हम कहते हैं प्यार। प्यार किसे कहते हैं? क्या आप प्यार देख सकते हैं? नहीं देख सकते। प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, और वो एक माँ का प्यार प्यार है, एक बाप का प्यार प्यार है, भाई बहन का प्यार प्यार है, और आपस में हम जो ईश्वर से प्यार कर रहे हैं वह भी प्यार ही है। लव इज नॉट अट्रैक्शन, लव इज फीलिंग्स, इमोशंस, केयर। अट्रैक्शन नहीं है, गिफ्ट नहीं है। आपके हाथ में उपहार देख करके लव को आंका नहीं जा सकता है। आपके केयर को देख करके, आपके इमोशंस को देख करके, आपकी फीलिंग्स को देख करके उस लव को मार्क दिए जाते हैं। वो लव किसका भी हो, आज हम ईश्वर से यदि लव करते हैं तो उसमें भी स्वार्थ है। ईश्वर से कोई ऐसे ही प्यार नहीं कर लेता, ईश्वर से ऐसे ही नहीं जुड़ जाता जब तक उससे आपको कुछ नहीं मिलता है। जबकि वो एक अदृश्य शक्ति है, उससे हमें सब कुछ मिल रहा है, इसीलिए हम उससे जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम उसे याद करते हैं। और परमात्मा वही कहते हैं कि कभी कभी क्यों याद करना कि आज मेरे परिवार में सब ठीक हो जाए भगवान, तो मैं पूज लेता हूँ। आज मेरे घर में ये मुश्किल आई है, चलो आज मैं भगवान को चढ़ावा चढ़ा आता हूँ, चुन्नी चढ़ा आता हूँ, या कुछ कर आता हूँ। क्यों क्यों हम कभी कभी जो हमेशा देता है उसे हम क्यों कभी कभी पूछते हैं? क्यों हम समय रहते उसे नहीं पूछ सकते? क्यों हम एक ऐसा समय नहीं बांध लेते? क्यों हम ऐसे उन्हें हमेशा याद नहीं कर सकते, ताकि आपके जीवन में कोई दुख ही ना आए, और दुख आ भी जाए तो आपके अंतर मन में वो हावी ना हो पाए, इस शरीर को छू करके निकल जाए। कोई बीमारी है, कोई आपको कहना चाहिए मन की उलझन है, तो वो मन को उलझा करके ना रखे, उस मन को सुलझा जाए सेकंड्स में। ऐसी क्यों नहीं हम शक्ति से जुड़ते? क्यों हम आधार के पीछे पड़े रहते हैं? क्यों हम ऐसा कहते हैं कि वो बहन बैठी हुई है तो वो बहन बहुत अच्छा ज्ञान देती है तो हम उससे ही सुनेंगे? क्यों हम डायरेक्ट परमात्मा से नहीं जुड़ते हैं? क्यों हम अपने आप को उस परमात्मा से कनेक्ट नहीं करके रहते हैं? क्यों हम एक दूसरे से लेने के लिए सोचते रहते हैं? जब आप इस तरह से खुद को बदलेंगे तो समाज जरूर बदलेगा। ये समाज की सफाई मोदी जी नहीं करेंगे, ये समाज की सफाई हम आपको ही मिलकर के करनी पड़ेगी, और वह तभी संभव है जब आप अपने
विचारों में तब्दीली लाएं, विचारों में शुद्धता लाएं, विचारों में विकारता की कमी, जो अवगुणों की भरपाई हो गई है, अब उसमें हम सद्गुणों की भरपाई करें, हमारे आत्मा के निज धर्म को पहचाने, निज सद्गुणों को पहचाने, जो हमारे आत्मा के सात गुण हैं वह गुणों को आप पहचाने, और फिर आप अपने में धारण करें, अपने घर में धारण करवाएं, स्वरूप बने, औरों को समझाएं, औरों को स्वरूप बनाएं, और ये रास्ता दिखाएं, और आगे जीवन बढ़ाने का यही संकल्प आपका जो कहना चाहिए सबसे श्रेष्ठ संकल्प है। आप अपनी विचारों की शक्ति से विश्व को बदल सकते हैं, आप अपने मनसा सेवा के द्वारा विश्व को बदल सकते हैं, इस प्रकृति को बदल सकते हैं। आपका जीवन कैसा होना चाहिए, जैसे हम दाल में एक चम्मच नमक डालते हैं ना तो वो स्वाद बढ़ा देता है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो कहना चाहिए आपके आते ही लोगों को ऐसा लगे जैसे कि मुंह में नीम घुल गई हो, ऐसा फील नहीं होना चाहिए। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि आपके अंदर आते ही लोगों को ऐसा महसूस आए जैसे कि अब तो ऐसी कोई शक्ति घर में आ गई है कि यार अब हर एक मुश्किल से हम छूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप वो शीतल, वो शांति से भरपूर हैं, आप प्रेम से भरपूर हैं, आप हर मुश्किल को डटकर सामना करने के अंदर आपके बल है, आप में वो क्षमता है वाचाल शक्ति की कि सामने वाले के आप कितना भी हृदय दुख हो, दुख में हो, लेकिन उस दुखित हृदय को आप एकदम कहना चाहिए इतना सुकून देने वाले मीठी बोली बोलकर जानते हैं। कितना भी देखिए, आप एक बच्चा देख लें, कितना बड़ा संकट घर में है, मान लीजिए कि आपका ऐसा कोई अनमोल, ऐसा आपका एक ऐसा कहना चाहिए बहुत आत्मा से संबंध जिसका है, जो आप दिन रात जिसके लिए जीना कर रहे थे, वो यदि संसार से चला जाए, उस दुख की घड़ी में यदि एक बच्चा कोई ऐसी हरकत कर देता है तो पूरे वो 100 लोग जो बैठे रहते हैं उनको हंसी आ जाती है। ऐसा आपका कहना चाहिए कि नेचर होना चाहिए, ऐसे आपको जॉली नेचर वाला बनना है, ऐसे आपको बाहर से नहीं बनना, थोड़े समय के लिए नहीं बनना है, आपको पूरे समय के लिए हर एक के हिम्मत देने वाला बनना है, हर एक को प्रेम देने वाला बनना, हर एक को सुख देने वाला बनना बनाना है। नफरत करने से क्या मिला बताइए, कुछ मिला आपको? हमको कुछ नफरत हमने कब तक की? जब तक हमने ज्ञान में नहीं आए तब तक अभी भी करते हैं, बाबा कहते हैं ना, मान लीजिए कि आप कहते हैं कि मैं क्रोध नहीं करता, बहुत हंसी की बात है, आपने कहा कि मैं क्रोध नहीं करता और आपका पड़ोसी रोज आकर के आपको 2-3 गाली दे करके चला जाता है ना, आप समझेंगे कि हमें तो बाबा ने कहा है कि नहीं नहीं आपको नहीं करना है, आप तो दाता के बच्चे हैं तो आपको गाली वापस नहीं देना या उसके लिए गुस्सा क्रोध नहीं लाना, वो गाली दे करके जा रहा है तो चले जाओ। आप एक दिन सुनेंगे, 2 दिन सुनेंगे, 3रे दिन तो आप नहीं सुन पाएंगे ना, आप क्या करेंगे, वो गाली देकर चला जाएगा, आप सुनते रहेंगे। तो परमात्मा यही कहते हैं, बच्चे तुम्हारा जो कहना चाहिए ना, आपका दाता परमात्मा शिव जो हम सबको पालना दे रहा है, उस जो गाली देने वाले का भी परमात्मा ईश्वर वही है जो उसको सुधारेगा, तुम नहीं सुधारोगे। यदि आप किसी को दान देते हैं ना तो हम यही कहते हैं ना कि मैंने दान दिया, आपको दान देने वाला ऊपर बैठा है, आप कैसे किसी को दान दे सकते हैं? तो दान उससे मिला, दान देने लायक मुझे बनाया, मैंने उसको दान दिया, देने वाला एक है, ईश्वर एक है। यदि आप प्रेम से भरपूर हैं तो वो ईश्वर का प्रेम जो आप में भर रहा है वो प्रेम आप दे पा रहे हैं। यदि हम ऐसे ही जो आसपास के माहौल को कैच करते रहेंगे ना और इसी में जीवन जीते रहेंगे ना तो हम कभी उससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, और यदि उससे हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे ना तो हम किसी से प्रेम नहीं कर पाएंगे। एक माता पिता के संस्कार एक बच्चे में आते हैं, और यहाँ भी बाबा यही कहते हैं कि मैं शांति का सागर हूँ, मैं ज्ञान दाता हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं प्रेम का सागर हूँ, मैं सुख करता दुख हरता हूँ,
मैं करुणा दया प्यार का सागर हूँ। तो मुझसे जब कनेक्शन रखोगे तो तुम भी ऐसा बन जाओगे। मैं यदि भगवान हूँ तो मेरे बच्चों के आगे मास्टर लगता है, तुम मास्टर भगवान हो। यदि मैं सर्वशक्तिमान हूँ तो तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो। यदि मैं शांति का सागर हूँ तो तुम मास्टर शांति के सागर हो, जो पूरे विश्व में शांति फैला सकते हो। यह बात है बाबा। आप देखिए, हम यहाँ वहाँ अलबेलेपन में यही सब बातों में लगे रहते हैं। आप करके तो देखिए, अच्छे पॉजिटिव थॉट रख के तो देखिए, आप अच्छी अच्छी बातें दिमाग में भर करके तो देखिए, कैसे आप बन जाते हैं ज्ञान का सागर, कैसे आपके झोली से ज्ञान बिखरने लग जाता है, और कैसे आप वो ज्ञान को कि कहाँ फैलाऊं कहाँ फैलाऊं कहाँ फैलाऊं, यही आपके मन में दिन रात संकल्प चलेंगे कि ऐसा क्या करूं कि जो मेरे आसपास ऐसे लोग बैठे रहें कि मैं ये बातें बता पाऊं। कई लोगों को ये बातें अभी भी बिल्कुल कहना चाहिए सेंसलेस लगती हैं। इसमें किसी को सेंस नहीं नजर आता है। किसी जो नहीं सुनना चाहते ना, उनको हर बात म्यूट लगती है। आप भी जानते हैं, यदि आप रास्ते से गुजर रहे हैं और रास्ते में यदि तीन पोस्टर आपको मिलते हैं, एक में कोई मूवी का सीन है, न्यू मूवी आने वाली होगी सिनेमा घर में, एक में कोई रिलीजियस से रिलेटेड कोई होगा, और एक में कहना चाहिए कि कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई पोस्टर होगा, तो सबसे पहली नज़र आज की दुनिया में उस सिनेमा के ऊपर जो पोस्टर रहेगा उस पर फर्स्ट जा कर के नज़र थमेगी। दूसरी आपकी जाएगी जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड पोस्टर लगा हुआ है, थर्ड जाएगी आपकी उस रिलीजियस पे, उस जिस पे धर्म का कुछ लगा हुआ है। तो ये हो गया है, ऐसा बन गए हैं, ये रियलिटी है। जबकि होना क्या चाहिए, शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? उस ईश्वर से होनी चाहिए। फिर आपको कर्म में आना है, फिर आपको अपने कर्मों का फल देखना है। यहाँ तो सब कुछ उल्टा है। कहते हैं मीठा बोलो, अच्छा बोलो, कम बोलो, जरूरत नहीं है तो नहीं बोलो। आज के समय में क्या हो रहा है, ज्यादा बोलो, ज्यादा से ज्यादा कड़वा बोलो, और ज्यादा से ज्यादा कड़वा बोलने के साथ साथ बोलते रहो जब तक वो इंसान का सर ना पक जाए, ऐसा हो गया है।